एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो हम लोग अपना डिनर कर चुके हैं और डिनर के बाद किचन बिल्कुल मेसी होके पड़ा है, आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने सोचा कि डिनर के बाद का जो रूटीन होता है, क्लीनिंग वगैरह, वो सब मैं आपसे शेयर करूँ। तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिनर के बाद फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, जो भी फूड लेफ्ट ओवर रही होंगी उनको बॉक्स में ट्रांसफ़र करके मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। और सब बर्तनों को मैं सिंक में भिगोने के लिए रख देती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रख दे रही हूँ। तो कल मैं सोच रही हूँ कि उपमा बनाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा रवा सूजी मैं अभी फ्राई करके रख दूँगी और थोड़ा सा वेजिटेबल जैसे कि कैरेट एंड बीन्स वो भी कट करके मैं स्टोर करके रख दूँगी, ताकि सुबह ना कुछ उतना टेंशन ना हो और ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसलिए मैं रात से ही जितना हो सकता है थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रख देती हूँ और ये कट वेजिटेबल्स को मैं फ्रिज में ही स्टोर करूँगी। तो सूजी को तो मैंने फ्राई कर लिया है और अभी बाकी सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि कुकिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ें वही गैस के पास ही रह जाती हैं। तो अभी मैं उन सब को अपनी जगह पे रख दूँगी, तो इससे मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम यूज करने में भी आसानी होगा। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने बर्तनों को धोने के लिए। तो मैंने अभी तक डिशवॉशर नहीं लिया है, बहुत बार सोचा है लेने के लिए, पर क्या होता है कि वो किचन का बहुत बड़ा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसलिए अभी तक नहीं लिया है। और ये है कि मतलब अभी ठीक ही है, इंडिया में जब थी वहाँ पे भी डिशवॉशर नहीं था और यहाँ आने के बाद इतने साल मैं खुद ही सब कुछ धोती हूँ और कभी कभी सरन भी हेल्प कर देते हैं, तो मतलब उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, गाना सुनते सुनते ये सब बर्तनों को साफ कर देती हूँ, तो उतना कुछ बोरिंग नहीं लगता। फिर अभी नेक्स्ट मैं आ गई हूँ अपने स्टोव टॉप को क्लीन करने के लिए। इसे आप जितना भी क्लीन रखो, कुकिंग करने के बाद ये गंदा होता ही होता है, तो इसे एवरीडे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये मेरा एवरीडे नाइट रूटीन में ये क्लीनिंग में करती ही हूँ। और इसे क्लीन करने के लिए मैं ऐसा कुछ स्पेशल स्प्रे ऐसे कुछ यूज नहीं करती, वही जो लिक्विड डिश सोप आता है उसी से ही मैं इसे क्लीन करती हूँ। पहले तो जो भी कुछ खाना वगैरह पड़ा हो उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं डिश सोप लेके इसे अच्छे से स्क्रब कर दूँगी और फिर एक गीला कपड़ा लेके इसे पोंछ के मैं क्लीन कर दूँगी और ये बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है।
फिर उसके बाद मैं अपने किचन का काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी। और इसे क्लीन करने के लिए भी मैं वही डिश सोप का यूज कर रही हूँ। क्या है कि जब हम ऐसे रात में किचन को क्लीन करके रखते हैं और नेक्स्ट डे जब हम सुबह एक क्लीन किचन में एंटर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे क्लीन करने में कितना टाइम ही लगता है, हार्डली 20 मिनट से लगता है। तो अभी मैं किचन का जो सिंक होता है उसे भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जो ऑयल एंड ग्रीस वगैरह जो भी कुछ लगा होता है उसे भी अच्छे से रगड़ के क्लीन करना ज़रूरी है। तो अभी मैं उसे भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और फिर उसके बाद जो भी सारा स्क्रब मैं यूज कर रही हूँ उन सबको धो के अच्छे से निचोड़ के सारा पानी निकाल के मैं रख दूंगी। तो अभी मैं अपने किचन के कैबिनेट्स को भी क्लीन कर लूँगी। और ये मैं रेगुलरली मतलब एवरीडे तो नहीं कर पाती, पर वीकली 2-3 बार तो करती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा गंदगी लगा होता है और इसे रेगुलरली क्लीन करना भी ज़रूरी है। अगर हम इसे रेगुलरली क्लीन करें तो ये क्लीन करने में भी उतना टाइम नहीं लेता, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन हुआ रहता है। और अगर हम बहुत दिनों के बाद करें तो फिर वो क्लीन करने में बहुत टाइम लेता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक सॉस पैन में थोड़ा सा पानी लेके उसे गर्म करेंगे और इसमें जो पाउडर वाला जो डिटर्जेंट होता है उसे डालेंगे। फिर गैस को स्विच ऑफ करके तो वो जो वाइपिंग वाला कपड़ा हमने यूज किया था उसे इसमें डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसे रात भर ऐसे ही रखेंगे और नेक्स्ट डे इसे धो देंगे। तो ये अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जो भी ऑयल वगैरह जो भी कुछ लगा हो वो आराम से इस कपड़े से निकल जाएगा और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैं लिविंग रूम का जो भी कुछ सामान बिखरा होकर पड़ा है उसे अपनी जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मोस्टली मेरे बेटे के टॉयस ही हैं। तो और अभी मैं वैक्यूम नहीं करूँगी क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं और रात को वैक्यूम करने से ये आवाज़ जो ऊपर रह रहे हैं उन तक भी आवाज़ जाता है, तो इसलिए मैं रात को वैक्यूम नहीं करती, सुबह ही करती हूँ। अभी सिर्फ वही चीज़ों को अपनी जगह पे रख दूँगी। तो फाइनली मेरा किचन अभी बिल्कुल क्लीन हो चुका है और मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।